हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, किस कोने में पड़ा है बर्तन देगा कैसा लाभ, जानिए कमाल की वास्तु टिप्स। जी हाँ दोस्तों, किचन हर घर का एक अहम हिस्सा है और किचन में मौजूद बर्तन उसके खास अंग है। आज के मॉडर्न युग में जहाँ कोई अपने रसोई घर को अपने मन मुताबिक सजाना चाहता है, वही वास्तु के माने तो इसकी बनावट और सजावट दोनों ही खास नियमों के तहत होनी चाहिए। जहाँ रसोई घर के रंग और दिशा मायने रखती है, वही इसमें मौजूद बर्तनों का भी आपकी जिंदगी में खास रोल होता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु के अनुसार रसोई घर में बर्तन किस तरह होने चाहिए और किस दिशा में रखने चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, इसे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, रसोई घर में रखे जाने वाले बर्तन खास तौर पर पीतल, तांबे, कांसे या स्टील के बर्तनों को घर की पश्चिम दिशा में ही रखें। अगर आपने किचन में चांदी के बर्तन रखे हैं, तो उनके लिए उत्तर पश्चिम दिशा खास मानी जाती है। वास्तु की माने तो सही दिशाओं में बर्तन रखने से घर वालों के बीच में आपसी प्यार और सम्मान सदा बना रहता है। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कांच के बर्तन हमेशा पूर्व दिशा में रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिशा में कांच के बर्तन रखने से आपको गुरुओं की प्रसन्नता आपके ऊपर सदा बनी रहती है, जिससे आपके और घर के बच्चों के ज्ञान, बुद्धि और विवेक में बढ़ावा होता है। तो दोस्तों, किचन में टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती है। ऐसे में आज से ही अपने रसोई घर में टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल छोड़ दें या फिर उनकी जल्द से जल्द मरम्मत करवा लें। जरूरी नहीं कांच के बर्तन ही टूटे हो, कई बार किसी कढ़ाई का हैंडल टूटा होता है या फिर बर्तन गिरने से उसे डेंट पड़ जाता है। ऐसे में इस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करने से घर का वास्तु दोष बिगड़ता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ घरों में रात का भोजन करने के बाद बर्तन यूं ही छोड़ दिए जाते हैं, यानी उन्हें साफ नहीं किया जाता। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां, कलह, क्लेश और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने जैसी परेशानी बनी रहती है। ऐसे में रात को सोने से पहले रसोई घर को अच्छी तरह से साफ करके ही सोना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आपका घर साफ सुथरा दिखाई देगा, साथ ही आप हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचे रहेंगे। तो ये थे रसोई घर में मौजूद बर्तनों से जुड़ी खास बातें, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर परिवार के लिए ढेरी सारी खुशियां खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।